वेलकम स्टूडेंट, अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड इंश्योरेंस में। ठीक है, इससे पहले इंश्योरेंस के हम दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इट मींस बीमा के प्रकार। देखिए, बीमा के मुख्यतः दो प्रकार हैं। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस और सेकेंड है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, इस वीडियो में हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग इन तीनों के बारे में एक साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके इसी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के दो पार्ट बना दिए, फर्स्ट अभी चल रहा है और सेकंड मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो देखिए, जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने से पहले एक बार जनरल इंश्योरेंस के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जो है वो एक तरह से सामान्य बीमा है जिसके अंतर्गत अन्य सभी बीमा आते हैं, यानी जो जिसमें जीवन बीमा नहीं आता वो सामान्य बीमा कहलाता है। ठीक है, यूँ समझिए। अब इसमें आता है जैसे फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस। तो अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें अग्नि से होने वाली हानि, है ना, अग्नि से होने वाली क्षति या हानि का जो है बीमा कंपनी जो है उससे सुरक्षा या उससे बचाव का वचन देता है। चोरी, जिसमें चोरी से संबंधित जो है बीमा कंपनी आपको उससे सुरक्षा देती है। और सामुद्रिक बीमा में समुद्र से संबंधित, यानी जहाज और समुद्र इन दोनों से संबंधित जो से होने वाली यदि क्षति आपको होती है तो उसके तहत वो सामुद्रिक बीमा कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर जो है सुरक्षा का तत्व है, यानी सेफ्टी है, यहाँ भी सेफ्टी है और यहाँ भी सेफ्टी है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमें आता है जीवन बीमा। देखिए, जीवन बीमा में सुरक्षा भी है और विनियोग भी है, क्योंकि जीवन बीमा में आपको आपकी लाइफ से संबंधित सुरक्षा भी दी जाती है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कि यदि आपको क्षतिपूर्ति, आपकी लाइफ की क्षति जो है उसको उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, परंतु उससे संबंधित जो विनियोग, यानी जो आपने प्रीमियम चुकाते हुए जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपको विनियोग के रूप में भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों आते हैं और जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ सेफ्टी आती है और इन्वेस्टमेंट नहीं आता। बाकायदा जनरल इंश्योरेंस के अंदर एक साल, ये इनकी अवधि कम से कम एक साल की होती है। यदि आपके एक साल के भीतर में इनसे संबंधित कोई भी हानि हो जाती है तब तो आपको उसका भुगतान कर दिया जाएगा, यानी आपकी आपको क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। परंतु यदि आपको इस एक वर्ष की अवधि के भीतर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है तो आपके द्वारा किया गया जो प्रीमियम का भुगतान था वह आपको नहीं मिलेगा, इट मीन्स इसमें आपको विनियोग नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जीवन बीमा की तरफ। इस जीवन बीमा को समझिए आप लोग कि जीवन बीमा आखिर में है क्या। इसका अभिप्राय ऐसे बीमा से है जिसके अंतर्गत दो पक्षकार होते हैं, ठीक है, जो कि बीमा कंपनी से एक निश्चित प्रतिफल के या प्रीमियम के बदले आपसे आप बीमाधारी द्वारा एक निश्चित अवधि पूरी होने पर या पूर्व जो मृत्यु होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन वो देता है। क्या मतलब हुआ कि दो पक्षकार होते हैं जिसमें बीमाधारी द्वारा एक निश्चित बीमा जो यानी इंश्योर्ड के द्वारा एक निश्चित प्रीमियम चुकाया जाता है, उस प्रीमियम का भुगतान या तो उसको पॉलिसी पूरा होने पर अथवा पॉलिसी पूर्व होने से पूर्व उसकी मृत्यु होने पर उसको या उसको या उसके द्वारा नामित नॉमिनी जो व्यक्ति है जिसमें उसका हित है उसको एक मुश्त राशि चुका दी जाती है। ठीक है, यह तो हो गया आपका इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर इसके जीवन बीमा के उद्देश्य, जो मैंने आपको बताया कि इसमें सुरक्षा का उद्देश्य भी है और इसमें विनियोग का उद्देश्य भी है। ठीक है, सुरक्षा का कैसे, कि यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में उसके द्वारा जो भी नॉमिनी व्यक्ति है उसको एक तरह से संपूर्ण धनराशि दे दी जाती है जिससे कि उसके जो सदस्य है वो अपना लाइफ का गुजारा कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा विनियोग कैसे, कि बाई चांस मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना 10 वर्ष के लिए बीमा करवाता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए कराया, 10 वर्ष के लिए, और कितने तक का, 50,000 तक का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, वह कितने प्रीमियम चुका रहा है, 4,000 रुपये। ठीक है,
4000 रुपये उसको कितने साल देने, 10 ईयर, तो कितना हो जाएगा उसका 40,000 हो जाएगा। परंतु हुआ क्या कि अब यदि व्यक्ति की मृत्यु, इसने मान लीजिए 2 प्रीमियम चुकाए है ना, तो उसने यानी बीमा कंपनी को कितने रुपए दिए, 8,000, और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके परिवार के सदस्यों को कितना लेगी, 50,000। और बाई चांस मान लीजिए कि यदि व्यक्ति जो है 10 साल तक से पूर्व तक जीता है और तो उसके द्वारा जो चुकाई राशि कितनी होगी, 40,000, परंतु उसको 10 वर्ष की अवधि पूरी होने पर 50,000 प्लस उसका इंटरेस्ट या बोनस आप जो भी कह दीजिए वो मिलते हुए उसको आप लोग 60,000-65,000 जो भी है उनकी अकॉर्डिंग टू उतना राशि का विनियोग उसे भुगतान मिलेगा। तो ये यानी 50,000 प्लस जो मिला वो उसका बोनस हुआ, जबकि 10 साल में उसने राशि कितनी जमा कराई थी, 40,000, ठीक है। तो इसके अंदर यानी सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व आ गए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो कि है कि जीवन बीमा के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल लगते हैं। इससे पूर्व वाले जो वीडियो था उसमें हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, तो इसके अंदर प्रिंसिपल लगते हैं। एक परम सद्विश्वास यानी अटमोस्ट फेथ का, जिसके अंतर्गत क्या बताया था मैंने कि इंश्योरेंस और इंश्योर्ड दोनों ही व्यक्तियों को विश्वास होता है कि उनके द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें जो सिद्धांत है वो क्या था, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि जो भी व्यक्ति बीमा करवा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, कि जो भी व्यक्ति बीमा करवा रहा है उसका बीमा कराते समय उसका उसमें हित है, जैसे पति का पत्नी के और पत्नी का पति के जीवन में, ठीक है। और इसके अलावा रोहिणी का ऋणदाता का रोहिणी के, ठीक है, और माता पिता का अपने पुत्र के, ये सारे जो इस प्रकार के हैं इनमें हित की बात आ रही है। तो यहाँ पे ये 2 प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गए, ठीक है, कि इनके अंदर 2 प्रिंसिपल लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारे सामने आता है जीवन बीमा के जो प्रकार हैं, ठीक है। प्रकार में इसके आपके सामने जो बुक है उसमें 5 प्रकार दिए हैं, ऐसे और भी होते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रकार दिए हैं हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है आजीवन बीमा पॉलिसी, इट मीन्स होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर जो बीमाधारी जो है अपने जीवन में, मतलब वो एक तरह से अपने जीवन भर एक इंश्योरेंस की जो पॉलिसी के तहत जो प्रीमियम है वो पूरे जीवन भर जमा करवाएगा, यानी वो जब तक जीता है वो अपनी इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम जमा करवाता रहेगा आजीवन, ठीक है। परंतु और उससे जो भुगतान मिलेगा वो उसको उसके संपूर्ण लाइफ में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आजीवन यदि वो प्रीमियम चुका रहा है तो जब तक वो जी रहा है प्रीमियम चुका ही रहा है, ठीक है। तो उसे अपनी पूरी लाइफ के अंदर तो उस प्रीमियम की राशि नहीं मिलेगी, परंतु लाइफ खत्म होने के बाद में उसके जो नॉमिनी व्यक्ति हैं उनको उसका भुगतान मिलेगा, ठीक है। तो आजीवन बीमा पॉलिसी का मतलब आपको अब तो समझ में आ गया कि जो संपूर्ण जीवन तक पॉलिसी एक व्यक्ति भरता रहता है और उसके जीवन की समाप्ति के पश्चात उसके जो परिवार वाले हैं उनको उस राशि का भुगतान मिलता है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में और ये जो पॉलिसी होती है मिनिमम 20-30 ईयर तक चलती है, आगे आपको समझ में। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी, इट मीन्स एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बंदोबस्ती के अंतर्गत क्या होता है, नाम से भी इसमें भी लग रहा है क्या कर रहा है, वो व्यक्ति बंदोबस्त कर रहा है। अब बंदोबस्त क्या कर रहा है कि एक निश्चित उम्र तक, ठीक है, यानी इस प्रकार की पॉलिसी में बीमाकार बीमित को एक निश्चित राशि निश्चित उम्र अथवा उसकी मृत्यु होने से पहले तक का वचन देता है, ठीक है। यानी बीमित के मृत्यु होने पर बीमा राशि उसके विधि मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर साल या पर्टिकुलर जो एज है तब तक वो व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी चलाएगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से टर्म बांध दी जाती है कि 10 ईयर 5 ईयर 10 ईयर जो भी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से जो है ईयर बांध दिए जाते हैं कि मैं इतने साल तक ही प्रीमियम का भुगतान करूँगा और इसके पश्चात इससे पूर्व यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे नॉमिनी व्यक्ति को पैसा मिल जाए और यदि नहीं होती है तो मैं को उसके पश्चात इसके अंदर मेरे को जो मेरी प्रीमियम की राशि है वो और इसके अलावा इंटरेस्ट या विनियोग जो हम बोल रहे हैं वो उसे पूरा मिल जाए, ठीक है। तो बंदोबस्ती का मतलब इस प्रकार से हो गया, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है संयुक्त बीमा पॉलिसी। अब यहाँ पे जब वर्ड आ गया संयुक्त, इट मीन ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ क्या होता है प्राय यानी मेली, यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ ये दोनों मिलके इस तरह की पॉलिसी को लेते हैं, संयुक्त बीमा पॉलिसी। या तो ये हस्बैंड और वाइफ लेते हैं या फिर एक तरह से पार्टनरशिप फॉर्म लेती है, पार्टनरशिप फॉर्म ये जो होते हैं ये संयुक्त बीमा पॉलिसी को लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है इन ये दोनों व्यक्ति ही प्रीमियम कोई भी चुका सकता है, एक व्यक्ति चुकाए तो दूसरे का भी हो जाता है, दूसरा चुकाए तो पहले का भी इंश्योरेंस हो जाता है, का मतलब प्रीमियम का भुगतान हो जाता है, ठीक है। और जब राशि मिलती है यानी इन दोनों में से किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, यानी हस्बैंड या वाइफ की किसी की एक की मृत्यु होने पर दूसरे को भुगतान हो जाएगा, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो भी दो पार्टनर हैं या तीन हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को जो है भुगतान मिल जाएगा किसी की भी मृत्यु होने के के अलावा, ठीक है। तो ये हो गया आपका संयुक्त बीमा पॉलिसी। देन नेक्स्ट इज वार्षिक वृत्ति पॉलिसी, एनुअल एन्युटी पॉलिसी। अब वार्षिक वृत्ति विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत बीमित राशि अथवा पॉलिसी की राशि एक आयु की प्राप्ति पर यानी एक एक कम एक पर्टिकुलर एज के बाद में उसको मंथली या ईएल हाफली जो भी आप कहें या ईयरली किसी भी रूप में उसे एक तरह से किसी रूप में मिलती है, पेंशन के रूप में। पेंशन तो मैंने वर्ड लगा दिया है, इसका मतलब केवल इतना है कि भाई उसे पर्टिकुलरली एक तरह से जो है किस्तों में उसको उसको भुगतान मिलेगा, ठीक है। जो प्रीमियम की राशि है या तो वो किस्तों में देगा या एकमुश्त दे देगा, और उसके पश्चात एक पर्टिकुलर आयु की समाप्ति के पश्चात उसको मंथली क्वार्टरली या ईयरली जो भी होता है उसको वो राशि का भुगतान एक तरह से उसे किस्तों में रूप में यानी इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट है वो है बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। अब इसके अंदर भी आपको नाम से ही लग रहा होगा, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो लोग इस पॉलिसी के अंदर लोग क्या है कि अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक निश्चित आयु पर एक जो है वो एक प्रीमियम जमा करवाते कहते हैं, ठीक है। और प्रीमियम की राशि किसके द्वारा दी जा रही है, अनुबंध करवाए जाने व्यक्ति के द्वारा। और एक पर्टिकुलर टाइम आने पर, जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है उसका 5 साल की एज है, उसका यदि पिता और माता मिलकर यदि उस तरीके से उसकी शादी तक के लिए यदि कर रहे हैं तो उन्होंने 20 साल या 25 साल जो भी उनकी मान लीजिए तब तक वो इसका इंश्योरेंस करवाते रहेंगे, और तत्पश्चात उसकी शादी या उसकी पढ़ाई आगे हायर स्टडी के लिए होने की एज होने पर उस राशि या प्रीमियम या जो पॉलिसी उसका अवधि का पूरा होने पर उस राशि को उसको एक एक साथ जो प्रीमियम चुका है वो और विनियोग दोनों मिला के उन व्यक्ति उसको व्यक्ति को चुका दिया जाता है। तो ये वाला हो गया बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। तो आई होप आपको जीवन बीमा पॉलिसी का संपूर्ण जो मीनिंग एंड ऑल यू गॉट टू नो अबाउट यू नाउ इन माई नेक्स्ट लेक्चर I will consult with you about the general insurance. There is a 3 types of insurance: fire, theft, and marine. But that the fire and the marine insurance is important in your syllabus or in your this topic. Okay, so let's we check it, read it in your book. आप अपनी books में भी इसे पढ़ें, इसे आप समझें और इसको, ठीक है। मिलते हैं next video में. Till then, bye bye. Thank you.